to kick at the sun's bitch. पेट्रोल भरवा के पहन लियो, पेट्रोल भरवा के पहन लियो। चाहे पेट्रोल कितना है तेरी में, ख़त्म ही है शायद। ठीक है चले, ठीक है। तो यार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और टाइटल तो आप सब ने पढ़ ही लिया होगा, ये व्लॉग थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा हटके होने वाला है। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई जर्नी पे, दिल्ली टू नैनीताल की जर्नी पे। और बाइक से ये मेरा फर्स्ट टूर होगा जो मेरे चैनल पे अपलोड हो रहा है, मतलब एक पहली ट्रिप है। मैं जा रहा हूँ अपने KTM एडवेंचर के साथ, मेरे साथ एक और मेरा भाई है परवेज़, ये अपनी बाइक के साथ जा रहा है HF Deluxe, जिसके पास जो थी हमने वो कन्वेंस चुना। हमने ये नहीं किया मतलब कोई हाई फाई ले लिया है। तो अभी तो मैंने ग्लव्स व्लव्स सिंगल ही पहन रखा है बिकॉज मुझे पेट्रोल भरवाना, तो उसमें एक टैंक बैग को हटाने में दिक्कत होती है। और बाकी सब रेडी है, ज़्यादा बन देखते हैं कितने दिन का टूर रहे। वैसे तो मेरा तो खैर इतना बड़ा कोई नैनीताल है नहीं, क्योंकि मेरा कई बार देख चुका हूँ नैनीताल, बट एक ऑफिशियली मैं व्लॉग करूँगा नैनीताल में इस बारी। तो देखते हैं कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। और मेरे साथ जो बंदा है फर्स्ट टाइम राइड कर रहा है बाइक से, मतलब कह सकते हो कि पहली बार इसका कोई लॉन्ग टूर होगा, तो मैं सोचा शुरुआत इसकी नैनीताल से ही करी जाए। तो चलते हैं और कम ही व्लॉग करूँगा मैं पहले अंधेरे में, दिल्ली छोड़ने के बाद थोड़ी बहुत रोशनी हो जाए मैं तो उसमें कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज GoPro इतना कोई सही कैप्चर करता नहीं है अंधेरे में। तो बस वही वाली बात है। और इस टाइम हो रहे हैं 4:43, मतलब 4:45 हो रहे हैं, 5:15 है मॉर्निंग के, संडे का दिन है, निकल रहे हैं। देखो दुआ करना कि गाइस राइड अच्छी ही जाए अपनी। आप तो देख चुके होंगे जब तक राइड होगी, बाकी हम तो यही दुआ करके जा रहे हैं कि सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। बंदा पहली बार जा रहा है, उसका बहुत अच्छी राइड रहे, उसको बहुत मज़ा आए। तो हमारा पहला स्टॉप था संभावली में। स्टॉप क्या मतलब, हमें रुकना नहीं था, बट हमारे कैमरे वगैरह की बैटरी वगैरह लो होने की वजह से हमने कहा स्टॉप ले लेते हैं, लगे चाय पी लेंगे। और देखते देखते सुबह हो गई, हम रुके थे जावेद कैंटीन पर चाय बहुत बढ़िया बनाई भाई ने। तो अब सुबह हो गई है, यहाँ पे मौसम खिल गया है, टाइम हो रहा है 6:53, 7 बजने वाले, बैटरी चार्जिंग पे लगा दिए और यहाँ से निकल रहे हैं। इसकी बाइक पे वो देखो इसकी बाइक पे फॉग जम गया है। तो चलो निकलते हैं, बाय द वे सब कुछ हो गया रेडी, अभी तक तो सब ओके है, सब बढ़िया है, रेडी वेडी हो रहे कैमरे। चल अबे भाई फॉग देखो सामने यहाँ तो बड़ा तगड़ा फॉग हो गया भाई ओहो खेत वेत के भाई मज़ा आ गया भाई सुबह सुबह मज़ा आ गया। इस टाइम पे फॉग देखो तुम सामने, मुझे तो लग रहा है स्पीड भी हम कवर अप ही नहीं कर पाएंगे, हल्की हल्की चलानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे तक गंदा फॉग हो रहा है सामने के, बस क्या ही बताए। यहाँ ये हाल है तो नैनीताल में क्या ही हाल होगा एनीवे मज़ा आने वाला है वाकई में, पूरा फुल सूरज उधर पता नहीं शायद ही देखे हमें देखे ना देखे। चलो चलते हैं, बाकी फॉग हो बहुत खतरनाक रहा है भाई, हल्के हल्के ही चलना पड़ेगा भाई, ठंड भी बढ़ गई एक तो रुको ना, रुकने के बाद चलो तो वैसे ज़्यादा ठंड लगती है, अब रुक के चले हैं तो ठंड ज़्यादा लग रही है। और शायद मैंने जैकेट इसके ग्लव्स के अंदर डालना भूल गया, तो थोड़ी थोड़ी सी आबी हवा लग रही है। बाकी GoPro अपना चार्ज हो रहा है, मैप अपना लगा हुआ है, टैंक बैग को थोड़ा सा टाइट करना है यार मेरे को सही से, अब ग्लव्स व्लव्स पहले इतना मौका था नहीं, 216 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पर, बट अपनी जो डेस्टिनेशन देखी वो 216 पे ही पहुँचेंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि अंदर सिटी विटी में तो गिनेंगे ना। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी विद फॉग,
ये है कि थोड़ा सा ये हैज़र्ड दिख रहे हैं लोगों के, तो पता चल रहा है कि हाँ भाई हाँ ठीक है, पर यह है कि ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर नहीं पाएंगे हम इसके अंदर। वैसे भी 60-70 ही चल रहे हैं दोनों भाई, एक साथ ही चल रहे हैं, जल्द पने में कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन नज़ारे देखो आप भाई, अलग ही परख जा रही है फॉग की। दुकानें खुल रही है अब सबकी धीरे धीरे, सब चाय वाले खोल रहे हैं। अभी तक तो मैं वहाँ से इतना यहाँ तक आया ना, मुझे बहुत ना के बराबर ही ढाबे खुले हुए दिखे थे। और देखते हैं मुरादाबाद में थोड़ा बहुत खाना वाना खा लें, क्योंकि मुझे लग रहा है परवेज बता रहा था कि रात का खाना नहीं खाया उसने, रात में लेट ही आए थे सब काम वाम से अपने अपने और फिर तैयारी में लग गए थे, तो खाना नहीं खा पाया था वो। अब सुबह इतनी, मैंने कहा सुबह मत खा, क्योंकि सुबह नींद से जब उठो तब खाओ ना तो उल्टा नींद ही आती है। तो मैंने उसको कहा था कि सुबह मत खा, कहीं रुक के ढाबे पे खा लेंगे। शीशे पे भी इस कदर फॉग हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मुरादाबाद में खाएंगे मस्त बिरयानी बिरयानी कुछ। अभी चाय वाय का सहारा ले लेंगे। अभी का शॉट ऐसा है कुछ कि हम अभी यहाँ पे स्टॉप करा है, तो हम सोच रहे हैं कि यार सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं और परवेज ने भी रात खाना नहीं खाया, तो सोच रहे हैं यहाँ पे मौका मिल गया है बिरयानी तोड़ने का, तो बिरयानी बिरयानी खा लें। और ये अपना भाई बाइकें वाइकें रेडी हैं, सुबह हो चुकी है शाम में सुबह, बहुत गंदी ठंड हो रही है भाई, बहुत गंदी ठंड हो रही है, मजा आ गया ना सुबह सुबह। बस भाई कह रहे हैं रेडी हो रहा है अपना, बस खाएंगे बिरयानी 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 होगा भाई। मेरा फर्स्ट जो है ना एक्सपीरियंस, मज़ा आ जाएगा सच्ची बताऊँ, जिस हिसाब से मैं अभी तक चलता आ रहा ना, हाथ दर्द सुन हो चुके हैं, कुछ नहीं लग रहा मेरा। एक पूरी एडवेंचर, एक पूरी क्लास है, दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल अलग ही अपोजिट, बहुत मज़ा आएगा, हौसला आ जाएगा सर देख के, थोड़ा तो नाश्ता वास्ता कर ले यार। ये वहाँ अपनी बाइक है, या भाई परवेज, और ये तो खाना वाना खा के हो गए, अब कर रहे हैं अपने आप को सेट वेट। बैटरी वैटरी कम है अब की अभी इसमें कैमरे में, बट इतने में चार्ज हो रही है बैटरी वैटरी, तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे। और खाना वाना खा लिया सही से, पेट भर लिया। अब पता है हो क्या गया ना, हमने जो भी खा लिया ना, हम रुकेंगे नहीं, सीधा नैनीताल ही रुकेंगे। अब कोशिश तो यही नैनीताल पे लगाए, बाकी बीच में मैं फ्रेश वगैरह होने के लिए पेट्रोल पंप पे रुकेंगे। तो मैंने अब क्या कराया ना, मैंने अब धीमी सी आवाज़ में गाने बजा लिए हैं, क्योंकि अब बोरियत होगी बहुत ज़्यादा रोड पर, तो उस हिसाब से मैंने गाने बजा लिए लाइटली आवाज़ में, कि बोरियत भी ना हो और अपना एन्जॉयमेंट भी होता रहे। और फ़ोन भी चार्जिंग पर लगा दिया, GoPro भी चार्ज हो रहा है अपना। बाइक में 12 वोल्ट का चार्जर होने का यही फ़ायदा है कि मैं दो चीज़ें एक साथ चार्ज कर सकता हूँ। तो ये हो गया हम रेडी, चलो बिस्मिल्लाह, चलो गन्ने के खेत लगे हुए भाई, गन्ने खाने। तो 8:30 बजे हम निकले हैं दोबारा से, और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। गूगल कह रहा है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, जिस हिसाब से हमें 12 बजे वो बता रहा हूँ, और गूगल मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम उसे बीट नहीं कर पाते हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इधर उधर करके मैनेज कर ही लेते हैं। मतलब 10-15 मिनट की बात अलग है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1-2 घंटा बीट करना फिर वो बड़ी बात हो जाती है। तो अभी हम बासपुर वाले रोड पे चल रहे हैं, ये मैप दिखा रहा है कुछ MDR करके रोड है, शायद बासपुर वाला रोड है। तो पूरा रोड ही मतलब 32 किलोमीटर मुझे जितना दिख रहा है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब बेकार रोड आ गया, गड्ढे वड्ढे। लेकिन अपनी बाइक तो ऑफ रोडिंग, अपने लिए तो बहुत ईजी है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे परवेज को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कहाँ, लेकिन मेरे लिए तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस रोड पर सेटलिंग करने में, सब कुछ करने में। लेकिन मसला वही है कि बस दूसरे वाली बाइक हमारी उस लायक नहीं है। मेरे मतलब का रोड है वैसे तो, पर यह है कि स्पीड स्लो करवा रहा है हमारे, 20-30 ही चला पा रहे हैं हम इस पर। लेकिन रोड बहुत बेकार है, अगर इस टाइम पे परवेज के पास एक्सपल्स या फिर हिमालयन कोई सी और सी बाइक होती ना ऑफ रोडिंग वाली, या मेरी वाली होती,
तब तो बहुत बेस्ट है। अभी दिक्कत क्या हो रही है ना कि मैं तो निकाल दे रहा हूँ फटाफट, है ऐसे, हालांकि पीछे नहीं हो रहा है वो, पर वही है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज तो होता ही है। अब मेरी बाइक तो बनी इन चीज़ों के लिए। अब देखो यार 32 किलोमीटर इसी रोड पे गुजारना है, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना इस रोड पे। मैं लास्ट टाइम आया था तब भी मुझे ऐसा पैच मिला था, तो अभी तक ठीक नहीं करा यार इसको, और जबकि मेन हाईवे है एक तरीके से आपका। अब काफ़ी ठीक हो गया है रोड, बट है अगर सही से चल रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है कहाँ रह गया। पर वेट कर, हल्के चलने पड़ेगा थोड़ा सा। अभी हम किसी भोजपुर करके गांव था शायद, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैप में नेम भी नहीं आ रहा। तो इतना ज़बरदस्त मतलब नज़ारे हैं, बीच गांव से होते हुए जा रहे हैं, इस साइड भी खेत है, इस साइड भी खेत है। इतना मतलब रोड ख़राब होने का पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि इतना प्यारी लोकेशन है, इतना मज़ा आ रहा है, एक नंबर सीन है। ऊपर से गन्ने जा रहे हैं जगह जगहों पे, मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रुक के थोड़ा बहुत गन्ने वन्ने खाए जाए। कुछ कह रहा है प्रवेश, क्या हुआ, कॉल आ रही है तो लगा ले साइड में, चेक कर लेते हैं। थोड़े से नज़ारों के मज़े ले ले, थोड़ा सा हाथ पैर भी अपने रोक ले यार, अब रोका है तो सही से रुक जाए। और नज़ारे अच्छे हैं यार, गांव में से होता हुआ जा रहा है। काफ़ी टाइम बाद गांव की तरफ से आ रहा हूँ मैं, अच्छे नज़ारे हैं। यहाँ अपनी बाइक खड़ी है, बाइक कितनी प्यारी लगती है ना मुझे खड़ी हुई है, इतनी ज़बरदस्त बाइक लगती है ये खड़ी अपनी बाइक। ये खड़ी इसकी बाइक, फोन चार्ज हो गया मेरा, ज़रा चार्जिंग से फ़ोन हटा दूँ। तो गाइस फाइनली हम बिल्कुल करीब में हैं, 1:15 बज गए। असल में थोड़ा सा बीच में गलत रास्ता ले लिया था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बाकी बीच में रेस्ट करा अपना मस्त वाला, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हम जिम कॉर्बेट पहुंचने वाले हैं बिल्कुल, और ट्रैफिक बहुत है यार आज, पता नहीं संडे है लेकिन फिर भी ट्रैफिक है। वैसे आइडिया भी नहीं ना कि कितना ट्रैफिक होता है नहीं होता, लास्ट टाइम जब आया तब इतना ट्रैफिक नहीं था, पर आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते में, तो जाम बहुत लग रहा। दूसरा भाई गर्मी बहुत लग रही है इस टाइम पर, क्योंकि धूप ही हो रही है पूरी। मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कुछ ना कुछ चेंज, पर बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जैकेट पहन के इनर पहन का टी शर्ट, तो उसमें और गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है बस। बाकी खैर चलो फाइनली आ गए हैं, और पहाड़ वहाड़ नज़र आ गए हैं थोड़े थोड़े से। परवेश को दिखा रहा था मैंने, शायद एक्साइटमेंट हो से थोड़ी बहुत देख के, मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम है उसका पहाड़ वहाड़ को देखना, चाहे बाइक से चाहे वैसे, फर्स्ट टाइम आएगा। तो वही चीज़ है, देखो अगर कैमरे पे कैप्चर हो बिल्कुल एंड में दिख गए पहाड़ से, यहाँ से सारे दिख रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो हो रही होगी बंदे के अंदर देख के। और हमने क्या नाम है, दो रास्ते थे हमारे पास ऑप्शन था, एक तो अपना वही भोजपुर कुछ कर रहे हैं ना वो, वहाँ से एक तो वो वाला रास्ता था, एक अपना काशीपुर करके कुछ रास्ता था जो रामनगर होता हुआ निकलता है, तो रामनगर वाला हमने चुना, क्योंकि रामनगर वाला रास्ता मैंने लास्ट टाइम चुना था जाते हुए, और आते हुए भेजपुर वाला चुना था, तो मैं उसी हिसाब से कर जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों रास्तों के मज़े आ जाए। इस रास्ते पे जब मैं मानसून में आया तो बहुत हरियाली मिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, तो इसलिए मैं इस साइड से आया हूँ। मैंने कहा शायद अब भी वही चीज़ मिले, और जिम कॉर्बेट भी दिखाना है बंदे को, तो इसलिए इस साइड से आया हूँ। देखो अगर स्टे करने को कहेगा जिम कॉर्बेट तो स्टे कर लेंगे, नहीं तो नैनीताल चले जाएंगे।